नमस्कार साथियों, मैं हरीश कुमार काजला, अध्यक्ष एम्स नर्सेज यूनियन नई दिल्ली। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बेरोजगार नर्सेज साथियों और 80/20 के रिजर्वेशन के खिलाफ एम्स नर्सेज यूनियन पिछले कई दिनों से लगातार अपना हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत लगातार प्रयासरत थी कि ये जो काली नीति आई है जो बेरोजगार साथियों पे कुठाराघात करने वाली है, इस नीति को हम हटाएं, इसको जो बढ़ती आ रही है उसे दूर करें। इसी सिलसिले में हमने माननीय केंद्रीय मंत्री जी पे दबाव बनाया और उन्होंने आज 26 अगस्त को 5 बजे हमारे साथ एक आधिकारिक मीटिंग की। उसके अंदर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से भी अधिकारी मौजूद थे और एम्स के डायरेक्टर डीए भी अवेलेबल थे। साथियों, इस मीटिंग में एम्स नर्सेज के मुद्दों को भी शामिल किया गया था, लेकिन उन पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई। और इन एम्स नर्सेज के सभी मुद्दों पर डिस्कस करने के लिए या उनको परिणामों तक पहुंचाने के लिए अगले वीक को ट्यूजडे या वेडनेसडे को मंत्रालय में एक अलग से और मीटिंग रखी है। लेकिन साथियों, आज की जो मीटिंग थी उसका मेन मुद्दा 80/20 रिजर्वेशन था, यानी आज की जो मीटिंग बुलाई गई थी उसका हमारा कोर इश्यू जेंडर रिजर्वेशन था। साथियों, एम्स नर्सेज यूनियन ने आपका पक्ष बड़ी मजबूती के सामने माननीय केंद्रीय मंत्री जी और अधिकारियों के सामने रखा। साथियों, हम चाह रहे थे कि ये 80/20 का रिजर्वेशन इस वैकेंसी से हटाया जाए या भविष्य के लिए भी इसको दूर किया जाए। साथियों, विस्तृत चर्चा के बाद या यूं कहें कि हमारा मजबूती के साथ हमने आपका पक्ष रखने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात पे सहमत नहीं हुए। हमने उन्हें यहां तक भी निवेदन किया कि जो रिजर्वेशन की स्थिति है उसको यथास्थिति रखी जाए, यानी कि 80/20 का रिजर्वेशन ना किया जाए, पहले की तरह वैकेंसी को लागू जारी किया जाए तथा इस 80/20 के मुद्दे को जब भी सीबीआई की मीटिंग हो उसमें ले जाके इसको खत्म किया जाए। हमने यहां तक भी उनसे निवेदन किया, लेकिन उन्होंने अपने पास बैठे अपने सेक्रेटरी से निवेदन किया कि वो जल्दी ही इस पे एक रिपोर्ट मुझे फाइल करें जिससे मैं इस पे डीजल ले सकूं। उन्होंने कहा कि आज की मीटिंग में मैं फैसला नहीं ले सकता, मेरे सामने पूरे तथ्य नहीं है। मैंने कहा कि सर, आपको कई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने फोन किया है, चिट्ठियां लिखी हैं, हमारे सांसद महोदय ने भी चिट्ठियां लिखी हैं, इसके बावजूद आज अगर आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो ये उन बेरोजगार नर्से साथियों के लिए ये एक बड़ा एक दुखद संदेश जाएगा और कहीं ना कहीं लोगों में इसका गुस्सा फूट सकता है। ये भी हमने निवेदन किया कि लोग इस कोरोना काल के अंदर आपसे निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और आपका पक्ष बड़ी मजबूती के बाद भी माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस मुद्दे पर यह कहा कि मैं आपके सामने मेरे सेक्रेटरी को ये निर्देशित कर रहा हूं कि वो इस मामले में जल्दी ही मुझे एक रिपोर्ट फाइल करें जिससे मैं आगे का फैसला ले पाऊं। तो साथियों, आज की मीटिंग से हमें कुछ हाथ नहीं लगा। एम्स नर्सेज यूनियन पिछले कई दिनों से आपके मुद्दों पे काम कर रही थी। मेरी एम्स नर्सेज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी फमीज सिके 24 घंटे इस मुद्दे पर लगातार काम कर रहे थे। मेरी यूनियन के ऑफिस भी एग्जीक्यूटिव सभी लोग इस मुद्दे पे जहां जहां उनको जाना था वो सभी लोगों से निवेदन कर रहे थे। व्यक्ति से मैं भी सभी लोगों से संपर्क में था कि इस मुद्दे को जल्दी सुलझा लिया जाए। लेकिन साथियों, आज मुझे बड़ी निराशा हुई कि सरकार हमें किस तरीके से लेती है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हमें किस तरीके से लेते हैं। साथियों, मैंने मीटिंग के दौरान ये भी कहा कि एक बहुत बड़ी भीड़ आने वाले कुछ दिनों के अंदर गांवों में, कस्बों में इन बेरोजगार नर्सेज की जमा होने वाली है और ये कहीं ना कहीं आपको प्रतिरोध का सामना करने पड़ेगा, सरकार की बेरुखी का सामना करने पड़ेगा। और साथियों, मैंने ये भी पक्ष रखा कि जब बात आई कैट ऑर्डर की तो उन्होंने कहा कि हम माननीय कैट जो न्यायालय है उसके आदेशों की पालना कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर सभी मुद्दों पे न्यायालय ही अगर सुलझाया या सुलझाड़ा कर सकता है बातों का, तो हमें शायद जनप्रतिनिधियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हर गांव, हर ढाणी में न्यायालय खोल देंगे, लोग उसके समक्ष जाएंगे, न्याय की गुहार लेके जाएंगे और लोगों को न्याय मिलेगा। मैंने कहा सर, ये ठीक नहीं है। एक तंत्र बना हुआ है ब्यूरोक्रेसी का कि जो हमारी बात सुने, एक तंत्र बना हुआ है जनप्रतिनिधियों का जिनमें एमएलए एमपीजी आते हैं। सर, ये बात सही नहीं है। इसके बाद सर ने सामने आदेश दिया, लेकिन हम उस आदेश से संतुष्ट नहीं है। साथियों, एम्स नर्सेज यूनियन आज की मीटिंग के किसी भी फैसले के साथ खुश नजर नहीं आ रही है। हमें बड़ा दुख हो रहा है कि सरकार ने हमारी नहीं सुनी, जनप्रतिनिधियों ने आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, दबाव नहीं बनाया। नहीं, आज की मीटिंग से एक फैसला निकल के आ सकता था कि हमें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन साथियों, एम्स नर्सेज यूनियन की ओर से मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि आज की इस मीटिंग से हम दुखी जरूर हैं, हम निराशा जरूर है, लेकिन निराशावादी नहीं है, हम आशावादी हैं, हम संघर्ष करने में विश्वास रखते हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे इस तंत्र के खिलाफ। आप बेरोजगार साथियों की जो लड़ाई है 80/20 रिजर्वेशन के खिलाफ, वो हम लड़ेंगे और मुझे लगता है कि अब हमें और भी ताकत के साथ, और भी जोश के साथ, और भी मिलके, हम सब मिलके लड़े। साथियों, मेरा शुरू से निवेदन रहा है
कि शायद कहीं ना कहीं हम कमजोर ना दिखे, हम सब एक साथ मिलकर लड़े, हम जिस भी तरीके से लड़े। तो साथियों, एम्स नर्स यूनियन आज की इस मीटिंग से कतई सहमत नहीं है और भी ताकत के साथ आप लोगों के लिए लड़ना चाहती है, आप लोगों को साथ लेके लड़ना चाहती है। तो साथियों, एम्स नर्स यूनियन आप लोगों से निवेदन भी करती है और आह्वान करती है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है, इस लड़ाई को हमें आगे तक ले जाना है जब तक हम इस जेंडर रिजर्वेशन जैसे मुद्दे को समाप्त ना कर दें। तो साथियों, आज की मीटिंग के बारे में मैं एक बार पुनः आप लोगों से बताना चाहता हूं कि आज की मीटिंग में माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। हमारा निवेदन था कि इस काले कानून को हटा दिया जाए, वैकेंसी की यथास्थिति रखी जाए और 80-20 के रिजर्वेशन को सीआईबी की नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करके इसको डायल्यूट किया जाए। लेकिन माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मीटिंग के दौरान अपने केंद्रीय सचिव को, स्वास्थ्य सचिव को ये निर्देशित किया कि आप जल्दी से मुझ पे कंपाइल रिपोर्ट दें, तब मैं इसमें फैसला ले पाऊंगा। साथियों, ये बड़ा निराशाजनक एक फैसला था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। लेकिन एम्स नर्सेज यूनियन पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को और भी आगे तक ले जाएगी, वो चाहे जुडिशरी के सामने हो, चाहे आंदोलन का रास्ता हो। बस एम्स नर्सेज यूनियन आप लोगों से निवेदन करती है कि आप इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े, कंधे से कंधा मिला के चले। धन्यवाद साथियों।